Hey guys, and welcome to All India Football. Let's talk about some recent updates happening in the Indian football. Firstly, we have update regarding SC East Bengal. SC East Bengal ने अनाउंस किया है कि उनकी टीम में एक स्ट्राइकर ज्वाइन करने वाले हैं। ब्राजील के स्ट्राइकर मार्सेलो रिबेरो ईस्ट बंगाल SC को ज्वाइन करने वाले हैं। 24 साल के रिबेरो गिल विसेंट FC के लिए खेलते हैं और उन्हें एज अ लोन टीम में शामिल किया गया है। रिबेरो हैज प्लेड 42 मैचेस जिसमें से उन्होंने 13 गोल स्कोर किए हैं। नाउ SC ईस्ट बंगाल से रिलेटेड एक रूमर आ रही है कि स्पेनिश अटैकिंग मिडफील्डर फ्रैन सोटा इस सीजन के लिए SC ईस्ट बंगाल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रैन सोटा एक अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में खेलते हैं जो राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों तरफ से खेल सकते हैं। आउट ऑफ 284 मैचेस दैट ही हैव प्लेड उन्होंने 6 असिस्ट के साथ 35 गोल स्कोर किए हैं। नेक्स्ट अपडेट इज रिगार्डिंग जमशेदपुर FC। सो जमशेदपुर FC इज ऑल सेट टू साइन नाइगेरियन फुटबॉल डेनियल चीमा चोकू। नेरिजस वाल्सकीज जो कि जमशेदपुर FC के लिए खेल रहे थे, उन्होंने चेन्नई FC को ज्वाइन कर लिया है, जिसकी वजह से जमशेदपुर FC वाल्सकीज को रिप्लेस करने के लिए डेनियल चीमा चोकू को साइन करने वाले हैं। डेनियल चीमा कुछ समय के लिए SC ईस्ट बंगाल का हिस्सा भी रह चुके हैं, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने SC ईस्ट बंगाल को लीव कर दिया था। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, जो एक र्यूमर है कि गिब्सन सिंह इज अबाउट टू ज्वाइन ओडिशा FC इन द विंटर ट्रांसफर विंडो। यंगस्टर गिब्सन केरला ब्लास्टर्स के लिए खेल रहे थे, बट ऐसी र्यूमर आ रही है कि वो ओडिशा FC को ज्वाइन कर सकते हैं। अनदर अपडेट रिलेटेड टू ओडिशा FC इज दैट डिलन डी सिल्वा इज ऑल सेट टू ज्वाइन ओडिशा FC। डिलन ओडिशा FC ज्वाइन करने से पहले डेमपुर स्पोर्ट्स क्लब में खेल रहे थे। वो करेंटली अपनी क्वारंटीन पीरियड में हैं और जल्द ही हमें टीम के लिए खेलते हुए दिखने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मुंबई सिटी FC। सो मुंबई सिटी FC की परफॉर्मेंस हमें कुछ अच्छी नहीं दिख पा रही है। लास्ट 5 मैचेस में 5 मैच में हार का सामना करने के बाद ऐसी र्यूमर आ रही है कि केरला ब्लास्टर्स FC के गोल कीपर एल्बिनो गोमेज माइट प्ले फॉर मुंबई सिटी FC। अगर ऐसा होता है तो ये देखने वाली बात होगी कि इस चेंज के बाद टीम अपनी विनिंग मोमेंटम गेन कर पाती है या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। सो 14 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और FC गोवा के बीच मैच होने वाला है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के न्यूली साइन मार्सेलिनो हमें मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की सेकेंड साइनिंग मार्को सहनेक करेंटली अपनी क्वारंटीन पीरियड में है और उनकी क्वारंटीन 15 जनवरी को एंड होने वाली है, जिसका मतलब कि मार्को 14 जनवरी को होने वाले FC गोवा के अगेंस्ट मैच को मिस करने वाले हैं। क्वारंटीन पीरियड में रहने की वजह से वो मैच को नहीं खेल पाएंगे, बट होपफुली वो हमें जल्दी खेलते हुए दिखने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये थी रीसेंट इंडियन फुटबॉल अपडेट्स। आपको क्या लगता है इन न्यू साइनिंग और र्यूमर्स के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स एंड र्यूमर्स के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप सपोर्टिंग।